सेवंथ हिंदी पाठ्य पुस्तक आगाज इसकी आपकी कक्षा का हमारा 11वां अध्याय हमारी पृथ्वी, जिसका हम पहला भाग पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरा भाग पढ़ने लगे हैं। जब पृथ्वी ठंडी होकर जीवधारियों के रहने योग्य जीवधारी जीवन जो सारे प्राणी के रहने योग्य हो गई तो उस पर वनस्पति और जीव जंतुओं का जन्म हुआ, सारे पशु पक्षियों का जन्म हुआ। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर प्राणियों का विकास धीरे धीरे यानी मनुष्य का विकास धीरे धीरे होता आया। धरातल के नीचे की शैल परतों शैल तो है पत्थर वाली चट्टानों से जीवाश्मों के रूप में सुरक्षित प्राणी जगत के अवशेषों से पता चलता है। जीवाश्म मतलब मरे हुए जीवों के अंश, अवशेष भी उन्हें कहते हैं मरे हुए जानवरों के अवशेष से पता चलता है कि सबसे पहले वनस्पति का जन्म हुआ, जो हमारे पेड़ पौधे सभी पहले इनका जन्म हुआ, जो काई के रूप में थी इसी से विकसित होकर जो काई जो विकसित हुई तो क्या बने लता गुल्मो यानी पेड़ पौधे शाखाएं टहनियों के पश्चात वृक्ष बने। इसी समय समुद्र के पानी में एक कोशिकीय जीव उत्पन्न हुआ जिसकी एक कोशिका होती है, वो जीव था अमीबा। अमीबा से पहले जलचरों जो जल में रहने वाले जीव और फिर आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले उभयचरों की उत्पत्ति हुई। उभयचर होते हैं जंगली जंगल में रहने वाले, उनको उत्पत्ति हुई जो जल और थल दोनों पर समान रूप से रह सकते थे, जैसे कछुआ मेंढक मगरमच्छ दोनों जल में भी रह सकते और थल पर भी रह सकते थे। स्थल पर रहने वालों से स्तनपोषी जीवों का कहा, जो जमीन पर रहते थे स्तनपोषी जो दूध पिलाने वाले अपने बच्चों को पालने वाले जीवों का विकास हुआ, जिनमें मनुष्य सर्वश्रेष्ठ सबसे महत्वपूर्ण कौन है मनुष्य हम प्राणी। जीव के विकास की कहानी बड़ी लंबी और संघर्षपूर्ण है, जो हमारा मनुष्य जीवन है इनका विकास बहुत लंबा और संघर्षपूर्ण हुआ है। इस संघर्ष में जो जीव अपने को परिस्थिति के अनुकूल ना बना सके, इसमें ये जो झगड़ लड़ाई थी जो संघर्ष में जो चल रहा था जीवों के बीच में, जिन्होंने अपने अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल जो बना सके वो तो धरती पर जीवित रहे और जो नहीं बना सके वो नष्ट हो गई। पृथ्वी के गुणों और इसकी शक्तियों का अध्ययन मनुष्य आदिकाल से करता है। पृथ्वी के क्या गुण हैं, पृथ्वी की शक्तियां मनुष्य आज से आदिकाल यानी पुरातन समय से ही करता आ रहा है। इस अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि जिस समय सूर्य का रंग जिस प्रकार सूर्य का रंग जल का रस हमें सूर्य का रंग गुण हमें है उसका लाल है, जल का गुण क्या है वो रसीला है पानी है रंगहीन है गंधहीन है। आकाश का शब्द आकाश में ये नहीं पता बड़ा है कितना बड़ा है, इसका रंग नीला बस हम दूर से देखते हैं लेकिन हमें पूरा पता नहीं है। और वायु का स्पर्श है, वायु का तेज गति क्या है, वायु का स्पर्श क्या है, वायु किस गति से बहती है हमें कुछ नहीं पता। इस प्रकार पृथ्वी का गुण गंध है, पृथ्वी के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है वो गंध है। गंध यानी सुगंध में भी आती है और गंध में भी आती है, दुर्गंध में भी। यदि पृथ्वी में यह गुण ना होता तो हमें यह सुगंधित द्रव्य ना मिल पाते। द्रव्य यानी तरल पदार्थ यानी कि तेल सेंट परफ्यूम जो हम यूज करते हैं वो धरती से हमें ना मिल पाती। पृथ्वी के इस गुण और इसकी अन्न उत्पादन शक्ति का पता तो मनुष्य ने बहुत पहले लगा चुका है। पृथ्वी के जो गुण थे और जो पैदा करने की जो शक्ति थी मनुष्य को काफी सालों पहले ही पता चल गया था, परंतु इसके गुरुत्वाकर्षण की खोज बाद में हुई। गुरुत्वाकर्षण तय खिंचाव धरती का धरती की तरह आसमान से धरती की तरफ जो खिंचाव होती है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। प्रत्येक वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है। धरती जो किसी कोई पेड़ से कोई भी फल या वस्तु गिरती है उसे धरती अपनी ओर आकर्षित करती है, यही गुरुत्वाकर्षण है। इस आकर्षण के कारण हम पृथ्वी पर खड़े हैं, इसी के कारण हम आज जीवित हैं और इस धरती पर खड़े हैं, बैठ सकते हैं चल फिर सकते हैं। यदि पृथ्वी में यह शक्ति ना होती यह गुण ना होता तो हम वस्तुओं को हम ना चल फिर सकते थे ना बैठ सकते थे और ना ही खड़े हो सकते और ना ही कोई जगह को वस्तुओं को किसी भी स्थान पर रख सकते थे और वे अस्त व्यस्त रूप में हवा में लटकी रहती और हम बेकार यानी इधर उधर ही हवा में चीजों को लटकते देखते। पृथ्वी के समान अन्य ग्रहों में भी आकर्षण शक्ति है, ये नहीं मनुष्य धरती और आकाश के बीच में, पृथ्वी के समान अन्य ग्रह जो हमारे 9 ग्रह हैं उनके बीच में आकर्षण शक्ति है। सूर्य और चंद्रमा की शक्ति के कारण समुद्रों में ज्वार भट्टा था। जब सूर्य और चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति का बल लगता है तो समुद्र में ज्वार भट्टे पानी
का भाव बढ़ जाता है, कम हो जाता है, ये ज्वार भट्टा का नाम दिया जाता है। पृथ्वी का दूसरा विशिष्ट गुण, विशिष्ट में महान गुण, चुंबकत्व, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, पृथ्वी का एक विशाल चुंबक है मैग्नेट, जिसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के समीप है। इसके उत्तरी ध्रुव जितना दूरी पे है उतना ही दक्षिणी ध्रुव दोनों आपस में जो समीप है एक दूसरे के, इसी के फलस्वरूप दिक सूचक की सुई सदा उत्तर की ओर रहती है। दिक सूचक होता है दिशा बताने वाला, उसकी सुई जो उसकी सुई है हमेशा उत्तर दिशा की ओर ठहरती है। पृथ्वी इस चुंबकत्व का निर्माण उन विद्युत तरंगों से होता है, बिजली की तरंगों से होता है, जो पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित तरल कोर से उत्पन्न होती है। पृथ्वी के अंदर तरल भाग भी है और एक ठोस भाग है। तरल भाग में जो पैदा होती है ये विद्युत तरंगे, पृथ्वी के घूमने से तरल कोर में गति हो जाती है। जब ये तरल जब कोर घूमता है तो इनमें गति पैदा होती है, जिससे भिन्न ताप और विद्युतीय गुण वाले पदार्थ आपस में मिलते हैं, ये दोनों आपस में टकराते हैं तो विद्युत तरंगे पैदा होती हैं। इस प्रकार पृथ्वी का आंतरिक भाग विशाल बहुत बड़ा है, प्रकृति विद्युत उत्पादक यंत्र का काम करता है। पृथ्वी की ऊपरी परत जबकि अपेक्षाकृत पतली है, जो ऊपरी परत है वो पतली है किंतु मनुष्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, पर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से हमें खनिज संपदा मिलती है, खनिज पदार्थ पैदा करते हैं। इसी परत की मिट्टी में हम अन्न फल फूल साग सब्जी आदि पैदा करते हैं, इसी में ही उसे वे पत्थर मिलते हैं जिससे वे अपने सुखद निवासों के लिए का निर्माण करें, यानी अपने लिए सुंदर घर बनाता है, पत्थर चट्टानों का निर्माण होता है। जो ऐसी है हमारी पृथ्वी, ऐसी ही हमारी पृथ्वी है, इसी पर हमारा जन्म होता है, इसलिए पृथ्वी को धरती माता भी कहा जाता है। पृथ्वी ही हमारे भरण पोषण का, हमारे पालन पोषण, हमें जीवित रहने का आधार है। इसी की शक्तियों का प्रयोग करके हम अपने जीवन को सुखी और संपन्न होते अमीर बना सकते हैं। अथर्ववेद की यह उक्ति पंक्ति हमारे और हमारे पृथ्वी के संबंधों के बारे में कितनी सार्थक है। माता भूमि प्रोखे पृथ्वी। धन्यवाद।